हस्तमैथुन से मेमोरी लॉस और वजन कम होना, इसके बारे में बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुख्यतज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस में कहा है कि हस्तमैथुन ये बहुत ही नॉर्मल प्रक्रिया है, हस्तमैथुन ये नॉर्मल एक्ट है, इसमें कुछ भी खराबी नहीं है, इससे कुछ नुकसान होता नहीं है और हर उम्र में आने वाला व्यक्ति हस्तमैथुन कर सकता है, करते हैं लोग और उसमें गलत कुछ भी नहीं है। तभी भी कुछ भी सेक्सुअल प्रॉब्लम आ गया, कुछ भी, तभी वो उसको बोलते कि नहीं, वो एट्रीब्यूट करते हस्तमैथुन से कि भाई वो उसकी वजह से हुआ, मैंने बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन किया इसलिए तकलीफ हो गई। अभी आज एक फ़ोन आया, बोले मुझे बिल्कुल ही याद नहीं रहता, मेरी याददाश्त निकल गई है और मेरा वजन बहुत कम हो रहा है और सब तरह की जांच मैंने किया, कुछ नहीं मिल रहा है और डॉक्टर्स ने बोला मुझे कि आप साइकेट्रिस्ट को मिलो। तो मैंने भाई क्या हुआ है? नहीं, बोले कुछ भी नहीं हुआ। मैंने तभी क्या हुआ है, आपका सब रिपोर्ट नील आ रहे हैं, तकलीफ क्या है? नहीं, तकलीफ कुछ भी नहीं है। आप सोचो, मैंने बोला कि भाई आपको जब बोला है कि साइकेट्रिस्ट से बात करो, साइकेट्रिस्ट के तरफ जाओ, फिर आपने मुझे क्यों फ़ोन किया? बोले डॉक्टर ने बोला करके। तभी भी आप सोचो कि आपको क्या चिंता है? तो बोले कुछ भी नहीं है। बोला क्या आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम है? बोले सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं है, मगर मैं सेक्स में इंडल्ज होता हूँ। बोला मतलब क्या होता है? नहीं, बोले मैं मास्टरबेशन बहुत करता हूँ। तो बोला फिर प्रॉब्लम क्या है? नहीं, बोले मास्टरबेशन से मुझे बहुत बुरा लगता है, मास्टरबेशन अच्छा नहीं है और मुझे ऐसा बताया गया है कि मास्टरबेशन से कमजोरी आती है और इसलिए मैं दिन ब दिन कमजोर होते जा रहा हूँ। मतलब ये कैसे क्या होता? तो नहीं, बोले मैंने ऐसे अखबारों में पढ़ा, विज्ञापन पढ़े हैं बड़े बड़े कि भाई हस्तमैथुन ये करना घातक है, ये पाप है, इसमें अपनी एनर्जी निकल जाती है, अपनी एनर्जी अपन ने खुद ने स्टोर करके रखना है। बोले यूट्यूब के हमारे देश के जो बाबा लोग हैं तो वो लोग भी ऐसा बोलते हैं, कुछ बड़े बड़े वक्ता भी है वो भी ऐसा बोलते कि अपनी एनर्जी जो है ना वो सेव करके रखो, और मैंने तो सेव किया नहीं है, मैंने तो वो बाहर फेंक दिया हस्तमैथुन से और इसके वजह से मुझे याददाश्त निकल गई है, मेरा वजन कम हो रहा है, मैं कमज़ोर होते जा रहा हूँ। तो ना देख, ये जो है जो आपको बाबा लोगों ने कहा, जो बड़े बड़े वक्ता जो है जिनके यूट्यूब के ऊपर बहुत फेमस स्पीचेस है वो लोग कहते हैं, मतलब भाई उसको कोई शास्त्रीय आधार नहीं है, साइंटिफिक बेस नहीं है। हस्तमैथुन करना और सेक्स करना और नाइटफॉल होना, ये तीन चीज़ें हैं, हस्तमैथुन, सेक्स और नाइटफॉल, तीनों से भी वीर्य बाहर निकलता है और वीर्य बाहर निकल गया तो तीनों से भी बाहर निकल गया तो भी उसमें कोई फर्क होता नहीं है और ये तीनों भी नॉर्मल चीज़ है। फिर बोले मेरी मेमोरी लॉस हो रही, उसका क्या? मतलब ये मेमोरी लॉस हो रही क्योंकि आपके दिमाग में वही विचार 24 आवर्स है, मैं हस्तमैथुन कर रहा हूँ, हस्तमैथुन कर रहा हूँ, उससे कमजोरी आ रही है, उससे कैसा होगा। फिर कोई आप वीडियो देख लेते तो काफ़ी सारे वीडियोज ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि हस्तमैथुन मत करो, आपकी एनर्जी गंवाओ मत, आपने तो बचपन में बहुत गलती की होंगी तो उससे आपका वीर्य का साठा निकल जाएगा, आपको फिर से वो ताकत लानी है तो ये तेल लो, ये सांड का तेल लो, ये दवाई लो, फलाना ढमाका ढिकरा ऐसे प्रोडक्ट बेचते हैं और उससे आपको फिर दिमाग में और परेशानी होती है। फिर जब विचार ये चालू है तो फिर नए विचार अंदर कैसे जाएंगे? जब मेरा दिमाग जब ऑलरेडी फुल है और वही सोच रहा है वो बार बार तो बाहर का अंदर जाएगा कैसा? जब बाहर का अंदर जाता नहीं, नया कुछ भी वो रजिस्टर नहीं होता तो मुझे लगता है मैं भूल जाता हूँ जल्दी जल्दी और इसलिए भुलक्कड़पन आता है। तो बोले कमजोरी आती उसका क्या? मतलब भाई कमजोरी आती उसका यही है कि भाई आपने जो सुना है कि भाई आयुर्वेदा ये बोलता है, आयुर्वेदाचार्य जो है वो बोलते रहते हैं कि जो वीर्य का एक बूंद जो है वो खून के 80 बूंद के बराबर का है। तो फिर आपने 3 ml यदि 3 ml यदि आपने सीमेन को निकाल दिया, बाहर फेंक दिया, तो एक बूंद यदि 80 बूंद के बराबर का है, एक बूंद सीमेन का 80 बूंद के बराबर का है, इसका मतलब आपने कितना सारा ब्लड खो दिया है। ये विचार आपके दिमाग में आ रहे, आप रोज कैलकुलेट कर रहे कि कितना सारा ब्लड, कितनी सारी एनर्जी मेरी दिमाग मेरे शरीर से बाहर जा रही है, वो विचार आते रहते, उसकी वजह से आप गल रहे। वो विचार आता है तो आपने खाना पीना छोड़ दिया। मैंने पहले भी बोला है कि मानसिक का पेट विकार से सीधा कनेक्शन होता है। मानसिक टेंशन है तो पेट में गड़बड़ी होती है, आप खाना नहीं खाते, नौशिया, जी मचलाना, घबराहट, बेचैनी, भूख नहीं लगना, ये होता है। आप खाना नहीं खाते ठीक तरह से, सोचते रहते, चिंता आती है तो वजन कम हो रहा है। वजन कम हो रहा तो आपको प्रूफ मिल रहा है कि देखो मेरा वजन कम हो रहा क्योंकि मैं
हस्त मिथुन कर रहा हूँ उसके वजह से फिर और वही चक्रव्यूह में जहरीला चक्र है वो चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। तो ये अभी मेरे वीडियो आप देखो ऐसा उसको मैंने बोला, इसको कोई साइंटिफिक बेस नहीं है कि भाई वीर्य जाने से कोई कमजोरी आती है मेमोरी लॉस होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये सब बनी बनाई कहानियाँ हैं अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए, अपने तेल अपने मलम अपने मशीन्स बेचने के लिए, भाई आपका लिंग छोटा है आपने बहुत हस्त मिथुन किया आपका लिंग टेढ़ा है, ऐसा ये सब घबराहट पैदा करने के लिए सब लोग करते रहते हैं। उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, उसको जब मैंने उसको एश्योरेंस दिया आश्वस्त किया तो बोले कि अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपने मुझे ऐसा बोला तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, ऐसा करके वो समाधान से मेरे यहाँ से निकल गया। मुझे आपसे यही प्रार्थना है कि हम अभी 21वीं सदी में हैं, बहुत सारा इंटरनेट अवेलेबल है फ्रीली, बहुत सारे लोग बहुत होशियार हुए एजुकेटेड है और तभी भी हमारे दिमाग में ऐसे पुराने पुराने विचार है कि हस्त मिथुन करना पाप है, हस्त मिथुन से लिंग टेढ़ा होता है, हस्त मिथुन से कमजोरी आती है, हस्त मिथुन से मेमोरी लॉस होता है, तो ऐसा कुछ भी होते रहता नहीं है। ये विचार ऐसा लोगों को फैलाओ ताकि सभी युवा वर्ग जो है वो एजुकेट हो जाएगा और उनको जो प्रॉब्लम है उनके वो प्रॉब्लम से वो मुक्त हो जाएंगे। फिर आपको अच्छा लगा तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।